ये आज का रेसिपी अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना, तो आप जिंदगी भर पछताओगे, मैं बता रही हूँ। ये उड़ीसा का सबसे यूनिक रेसिपी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ड्राई मैंगो 8 पीसेस आप ले लो, क्योंकि ये 2 लोगों के लिए बना रहे थे तो मैंने 8 पीसेस लिए थे। उसको ना आप 2 कप गर्म पानी में भिगो के साइड में रख लो मैक्सिमम आधा घंटे के लिए, ठीक है। एंड नाउ मस्टर्ड पेस्ट बनाने के लिए 4 चम्मच मस्टर्ड सीड, 2 चम्मच जीरा, 1 मिर्ची, 2-3 गार्लिक पॉड्स, उसको पानी डाल के एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लो। एंड नाउ अभी एक कढ़ाई को आप गरम कर लो, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दो या फिर रिफाइंड ऑयल भी आप डाल सकते हो। उसके ऊपर आप 1 चम्मच पंचफोरन डाल दो, 1 ड्राई चिली, 10 से 12 करी पत्ता डाल के अब उसको अच्छे से थोड़ा सा क्रैकल होने के लिए छोड़ दो। होने के बाद अभी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर डाल के मसाले को एकदम लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए मैक्सिमम पकाना है, नहीं तो जल जाएगा मसाला। उसके बाद जो मस्टर्ड पेस्ट हमने बनाया था ना, तो उसको छिलके को मैंने स्ट्रेन करके ही इसमें डाला था मैंने, ताकि एक स्मूथ सा कंसिस्टेंसी आ जाए। तो इस एक बार उसको मिला दिया ना, उसके बाद 4 चम्मच गुड़ डाल दो, या फिर जैगरी पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन जैगरी से ना एक गजब का टेस्ट और फ्रेग्रेंस आता है। तो उसको मीडियम फ्लेम में एक बार पका दो कुछ मिनट के लिए। तो एक बार जब जैगरी जो है ना वो कम्प्लीटली अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो हमने जो वो ड्राई मैंगो को हमने पानी में भिगो के रखा था ना, उसको आप ट्रांसफ़र कर लो। एंड हाँ, उस पानी को भी मत फेंकना, थोड़ा सा इसमें डाल देना अपने कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अब उसके साथ साथ थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम लोग, उसके बाद फटाफट स्टर करके उसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम में। अब ये पक के हो गया है तैयार, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको ठंडा होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। तो एक बार वो ठंडा हो जाए, उसको एक डिफरेंट कंटेनर को ट्रांसफ़र करके 2 चम्मच दही डाल के उसको अच्छे से मिला देंगे। एंड हमारा आंबुलो राई बन के हो गया तैयार। आप थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डाल सकते हो, बट दिस इज़ ऑप्शनल। मतलब इतना सही लगता है ना चावल के साथ खाने के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे चटनी जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके खाते हैं ना, वैसा ही लगा के खाना है। डू गिव इट अ ट्राई गाइस, मैं सच बता रही हूँ, यू विल लव दिस रेसिपी। ठीक है, बाय बाय।